अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाह ज़ेब एंड यू आर वॉचिंग ज़ेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे वीवो लॉन्च करने जा रहा है अपना वी सीरीज़ के एक नई सीरीज़ जो कि V25 सीरीज़ है, और इसके अंदर हमें तीन स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे जो कि फर्स्ट है वीवो V25e। अब ये जो स्मार्टफोन है इसको मैं पहले कवर कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इसके जो मिडिल वेरियंट है उसके बारे में, जो कि वीवो V25 5G है, और जो इसका अपर वेरियंट है वो वीवो V25 Pro है, उसके बाद हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो स्पेसिफिकली आज वीवो V25 5G के बारे में बात करने वाला हूँ, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती हैं, डिज़ाइन कैसा है, क्या प्राइस होने वाली है, और कब तक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप वीवो V25 बाई करना चाहते हैं और आपका बजट है 1 लाख के करीब, तो क्या स्मार्टफोन ये वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी जो इसकी चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी, और आप वीडियो देखने के बाद इसका जो डिसीजन है बाई करने का वो ले सकते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की, तो यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है टिपिकल वीवो वी सीरीज जैसे ही देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, ग्लास देखने को मिल जाता है, इसके अलावा नीचे लेफ्ट साइड पे वीवो की ब्रांडिंग है। बाकी इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर ली है तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, दो बड़े सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे सर्कल शेप में, और उसके साथ ही हमें थर्ड सेंसर और उसके ऊपर हमें जो इसकी LED फ्लैश लाइट है वो देखने को मिल जाती है। बाकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट यहाँ पे आपको डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पंच होल है वो नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें जो वाटर ड्रॉप नॉच है डियो ड्रॉप नॉच वो देखने को मिल जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 लाख के करीब ये डिवाइस होने वाली है, और यहाँ पे पंच होल के बजाय हमें डियो ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। क्या आपको सही लगता है ये, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या ओपिनियंस हैं इस डियो ड्रॉप नॉच के बारे में 1 लाख की प्राइस टैग के साथ। तो खैर बाकी यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन ठीक देखने को मिल जाता है, बस हम नॉर्मल कह सकते हैं। इसके यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर टिपिकल 6.44 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो Full HD+ की है, यानी कि 1080p x 2408 pixels की। इसके अलावा रिफ्रेश रेट है इसके अंदर हमें 90 Hz का देखने को मिलता है, यहाँ पे किसी किस्म का जो 120 Hz का रिफ्रेश रेट है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो 1 लाख की डिवाइस है, फिर मैं वही कहूँगा कि यहाँ फिर भी 120 Hz देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 90 Hz जो है वो दिया गया है, और ये जो 90 Hz है ये हमें 50,000 के प्राइस टैग के साथ भी देखने को मिल रहा है, तो इनको देना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। ओवरऑल यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले है वो भी नॉर्मल देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बात कर ली है इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक प्रोसेसर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इसको थोड़ा बहुत जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसके साथ हमें एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि MediaTek का Dimensity 900 है। अब ये जो प्रोसेसर है 6 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, कोक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके साथ हमें GPU देखने को मिलेगा, वो Mali G68 MC4 का मिलेगा। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी जो प्राइस के हिसाब से थोड़ा जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो इसका पिछला मॉडल था वीवो V23, तो उसके साथ हमें इसका अपर जो प्रोसेसर का अपर मॉडल है वो देखने को मिला था जो कि MediaTek Dimensity 920 है। तो इसके अंदर हमें लोअर वेरिएंट देखने को मिल रहा है जो कि 900 है, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परफॉर्मेंस थोड़ी हमें कम देखने को मिलेगी, और प्राइस तकरीबन उससे ज़्यादा ही होने वाली है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से भी एज सच कोई मेजर अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिल रहा। बाकी यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर लिया है तो यहाँ पे इसका एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ हमें मिलता है। इसके अलावा जो एक्सपेंडेबल रैम है वो फीचर जो आजकल सभी स्मार्टफोन में है वो इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें जो वीवो का कस्टम UI है फनटच OS 12 वो भी मिल जाएगा। तो आपको जो लेटेस्ट फीचर्स वगैरह हैं वो सभी इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड भी इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती, 4500 mAh की बैटरी है, और जो फास्ट चार्जिंग है वो 44 W की हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी टाइप सी तो ऑब्वियसली देखने को मिलती ही है, तो आप बैटरी वाली साइड भी देख सकते हैं, तो इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती, नॉर्मल हम कह सकते हैं वो देखने को मिलती है जो कि 50,000 के प्राइस के साथ भी मिल रही है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर हमें जो 3.5 mm का जैक है वो नहीं देखने को मिलेगा, तो आप हैंड फ्रीज वगैरह नहीं लगा सकते, आपको ब्लूटूथ एयरबड्स या एयरपोड्स वगैरह वही यूज़ करने पड़ेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ऑब्वियसली AMOLED डिस्प्ले है, तो इसके हमें जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर्स हैं वो सब जो देखने को मिलते हैं वो तो मिलते ही हैं। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक है, आपको एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है यूज़ करने के लिए। तो बाकी यहाँ पे इसके कैमराज की बात कर लिया है, तो कैमराज भी यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलते हैं जो कि मिड रेंज स्मार्टफोन में हमें मिल रहे हैं। बैक का जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 64 का देखने को मिल जाएगा 1.8 के अपर्चर के साथ, तो तस्वीरें वगैरह हमें अच्छी देखने को मिल जाएंगी, जो लो लाइट के अंदर भी अच्छी जो तस्वीरें हैं ये कैप्चर कर लेगा। बाकी 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 1.2 का मैक्रो सेंसर है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे 50 MP का जो सेल्फी शूटर है वो देखने को मिल जाएगा, तो फ्रंट साइड से जो सेल्फी है वो हमें अच्छी देखने को मिल जाएगी। बाकी बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा, तो यहाँ पे जो 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट है
वो भी देखने को मिल जाएगी, तो आप 4K की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके थिकनेस और वेट की, तो ये स्मार्टफोन 7.8 mm जो इसकी थिकनेस है वो मिल जाएगी, 186 ग्राम के करीब इसका वेट है, तो लाइट वेट भी है और स्लिम भी है। तो डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो बॉक्सी लुक भी है, ओवरऑल डिज़ाइन इसका हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, बस वाटर ड्रॉप नॉच के अलावा क्योंकि वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती, बाकी ओवरऑल डिज़ाइन हमें ठीक देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस वगैरह, बाकी कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। बात कर लीजिए इसकी प्राइस की, तो जैसे ही मैंने पहले कहा कि इसकी जो प्राइस हमें देखने को मिलेगी 1 लाख के करीब करीब कहीं पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि 95,000 94,000 के करीब वीवो V23 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली अपर मॉडल है तो इसकी जो प्राइस है उससे ज़्यादा ही होने वाली है। बाकी आप इसकी जो राइट प्राइस टैग हो गया सजेस्ट करते हैं क्या प्राइस होनी चाहिए इसकी, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके लॉन्च डेट की बात कर ली है, तो इसका जो लॉन्च हमें नेक्स्ट मंथ के जो मिड है वहाँ पे कहीं पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी इंपोर्ट खुली हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो अपने जो स्मार्टफोन हैं वो लॉन्च करने लगी हैं, तो ये भी हमें नेक्स्ट मंथ के मिड में देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई तरह की नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, आप तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।